नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज मैनेज बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। गाजियाबाद हवाई फायरिंग कर धमकी देने वाले दो गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ युवक गोली चलाकर लोनी में कर्फ्यू लगाने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दो युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने पुलिस से इस मामले में शिकायत कर आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। वहीं युवकों की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद SP देहात ने कर कहा है कि हमारे पास ज्यादा पीतल है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सलाखें भी काफी हैं। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा टूरेंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से सटे टूरेंड लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी भी हुई। दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से ये तालिबान लड़ाकों के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया। तालिबान टूरेंट लाइन को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती बारबंदी का काम जारी रखे हुए है। बिहार में दिनदहाड़े लोहे का पुल चोरी। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में दिनदहाड़े लोहे का पुल चोरी होने का मामला सामने आया। चोर सिंचाई विभाग के कर्मचारी बनकर गांव के आए हुए थे। JCB से पुल तोड़ दिया, फिर गैस कटर से काट के लोहा ट्रक और लाद कर आराम से चलते बने। वही विभाग को इसी पूरी घटना की भनक तक नहीं लगी। चोरी के 3 दिन बाद विभाग ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुल चोरी के मामले में रोहतास पुलिस ने SIT गठित कर दी गई है। SP मौके पर जांच करने पहुंचे। 47 साल पुराना पुल जिले के नासारीगंज प्रखंड के मियार स्थित भावा मुख्य नहर पर बना हुआ था। पुल 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। बताया जा रहा है कि पुल में 500 टन लोहा था। चोर जब पुल तोड़ रहे थे तब गांव वालों ने सवाल किया। इसे पर चोरों ने कहा है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, पुल जर्जर हो गया है इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। प्यार में नाकाम किशोरी समेत 6 सहेलियों ने जहर खाया। बिहार के औरंगाबाद में प्यार में नाकाम एक किशोरी और उसकी 4 सहेलियों ने जहर निगल लिया। 3 की मौत हो गई जबकि 3 को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद परिवार वाले डर गए हैं। रात में ही तीनों किशोरी को अंतिम संस्कार कर दिया। घटना शुक्रवार रात जिले के कासमा थाना क्षेत्र के चिरोला गांव की है। किशोरी अपने भाई के सादे से प्यार करते थे, लेकिन प्रेमी ने शादी करने से मना कर दिया। मरने वाले 2 लड़कियों की उम्र 14 साल जबकि 1 की उम्र 15 साल है। तीनों अलग अलग परिवार की है। 3 किशोरी की मौत से पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है। बछोड़ा पंचायत के मुखिया अनुज सिंह ने बताया कि गांव की किशोरी अपने प्रेमी से मिलने गुरारू गई थी, जबकि उसके साथ बहन और 4 किशोरियां भी गई थी। प्रेमी और इन लोगों के बीच कुछ बात हुई। गांव लौटने के बाद सभी ने जहर खा लिया। सभी को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां 3 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। गाजियाबाद के छात्र की कनाडा में हत्या। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रहने वाले छात्र कार्तिक वासुदेव की कनाडा के टोरंटो शहर में गोली मार हत्या कर दी गई। शुरुआत में कार्तिक की मिसिंग होने और फिर कुछ घंटे बाद उसकी हत्या की खबर फैमिली को मिली। कार्तिक साहिबाज स्थित राजेंद्र नगर सेक्टर 5 के रहने वाला था। कार्तिक के पिता हितेश वासुदेव ने बताया कि उनका बेटा MBA की पढ़ाई करने के लिए 4 जनवरी 2022 को ही टोरंटो गया था। वहीं पढ़ाई के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। करीब 3 दिन में कार्तिक के शव भारत लाए जाने की उम्मीद है। कार्तिक के दोस्तों ने बताया कि कनाडा समय के अनुसार शाम 5 बजे टोरंटो में मेट्रो स्टेशन के बाहर सबवे में कार्तिक की गोली मार के हत्या कर दी गई है। कार्तिक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला था तभी किसी ने गोली चला दी। टोरंटो पुलिस ने कार्तिक के दोस्तों को खबर दी, इसके बाद परिजनों तक घटना की जानकारी पहुंची। गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की शनिवार सवेरे एक ऐसे बदमाश से मुठभेड़ हुई है जो लूट में मिर्ची पाउडर और टॉय पिस्टल का इस्तेमाल करता था। मुठभेड़ में इस बदमाश के पैर में गोली लगी थी। उसके पास से असली हथियार भी बरामद हुए हैं। SSP साहिबाल अभिजीत और शंकर के अनुसार शनिवार सवेरे करीब 4:30 बजे थाना ट्रांसहिंडर की टीम ATM चेकिंग कर रही थी। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के पास अपाची सवार व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस कर्मियों को कहना है कि जैसे ही वह चेक करने के लिए बढ़े तो बाइक सवार व्यक्ति ने तमंचे से उन पर फायर झोंक दी और बाइक लेकर रेलवे रोड की तरफ भाग निकला। कड़कर पार्क के समीप पुलिस ने घेराबंदी करके फायरिंग की, जिसमें बाइक सवार बदमाश के पैर में गोली लग गई।
मायावती सीबीआई और ईडी से डरती है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है यूपी में मायावती ने सीबीआई ईडी के डर से चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ा। हमने मायावती को संदेह दिया है कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की जिन लोगों ने अपना खून पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दो दलितों की आवाज को जगाया। आज मायावती कहती है कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी। हम काशीराम का काफी सम्मान करते हैं। उन्होंने दलित का सशक्त किया था। हालांकि इसमें कांग्रेस कमजोर हुई है लेकिन मुद्दा नहीं है। देश में मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया बल्कि जिसे हिंसा के साथ ही इस देश ने मुझे मारा पीटा है। कोल्ड ड्रिंक पीने से 9 लोगों की हालत बिगड़ी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक ही परिवार के 9 लोग कोल्ड ड्रिंक के पीकर बेहोश हो गए हैं। सभी सीकरी कला में मेला देखने आए थे। परिवार दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से 1.5 साल की बच्ची की हाल गंभीर बताई जा रही है। संजय नगर के अस्पताल में परिवार के 8 लोगों का इलाज चल रहा है। बच्ची की हाल गंभीर देखते हुए उसे मेयर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। भजनपुरा में टुकमीर के रहने वाले धर्मवीर ने बताया कि शुक्रवार शाम को वे परिवार के साथ मेला देखने आए थे। रात में 11 बजे के बाद सभी घर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और सभी को कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहा कि ये मंदिर का प्रसाद है। कोरिया ओपन में भारत की चुनौती खत्म। कोरिया ओपन सुपर 500 में भारत की चुनौती खत्म हो गई। पीवी सिंधु भी मेन सिंगल्स में हार गई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में श्रीकांत को बिहार का सामना करना पड़ा। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में 2 बार की ओलंपिक मेडल लिस्ट पीवी सिंधु को साउथ कोरिया की ओंग सियोंग ने 14-21, 17-21 से हराया। 48 मिनट चले खेल में कोरियाई खिलाड़ियों की शुरुआत शानदार रही। उन्होंने पहले गेम में शुरुआत में 6-1 की बढ़त ले ली थी। हालांकि सिंधु ने वापसी का करते हुए स्कोर 9-9 की बराबरी की लेकिन वह फिर से पिछड़ गई और इस गेम में 21-14 से सियोंग ने जीत लिया। वहीं दूसरे गेम में सिंधु ने अच्छी शुरुआत करते हुए 3-0 की बढ़त बनाई लेकिन सियोंग ने लगातार 5 अंक के साथ स्कोर को 5-3 कर दिए। सिंधु ने फिर से स्कोर 9-9 की बराबरी की और फिर सियोंग ने 11-9 की बढ़त बना ली। अंत में 21-17 सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सियोंग पहली बार घरेलू टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। सियोंग के खिलाफ सिंधु की यह लगातार 4थी हार है। महेश बाबू नहीं करना चाहते बॉलीवुड में काम। महेश बाबू ने बॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया। हाल में ही एक एक्टर ने एक इवेंट अपडेट किया जिसके दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के बारे में पूछा गया जिस पर एक्टर ने कहा है कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने की जरूरत नहीं है। साथ में ही महेश बाबू ने कहा है कि वो एक तेलुगु फिल्म कर सकते हैं और वही फिल्म दुनिया भर के लोग देखें। आज के हिंदी फिल्मों से ज्यादा लोग साउथ की फिल्में देखकर तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू हैदराबाद में काफी पब्लिक इवेंट अपडेट करने पहुंचे थे। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें ना भूलें। धन्यवाद।